ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपशब्द नितिन राउत द्वारा निकाले गए हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए ब्राह्मण सेना फाउंडेशन की ओर से पत्र परिषद की गई थी। इस मौके पर फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्राह्मण समाज के खिलाफ नागपुर शहर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा ब्राह्मण प्रदेशीय विदेशी है, वह ब्राह्मणों को राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता है। C1 में ब्राह्मणों की राजनीति है। एक पालक मंत्री जो कि संविधान की कसम खाते हैं, वे मंत्री पद की कसम खाते हैं कि मैं सभी नागरिकों को एक जैसे देखूंगा, कहीं जातिवाद में नहीं आऊंगा, और ऐसा नेता डॉक्टर नितिन राउत का संभाषण होना, ऐसा वीडियो वायरल होना, ब्राह्मण समाज के विरोध में होना, इसका ब्राह्मण सेना फाउंडेशन पुरजोर विरोध करती है। राउत, इन्होंने लिखित तौर पर ब्राह्मण समाज से माफी मांगना चाहिए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मांग ब्राह्मण समाज ब्राह्मण सेना मांग कर रही है। ऐसे उल्लंघन करने के बाद में उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से समाज के सामने में खंडन इस पत्रिका में छपा है, उसको करना चाहिए और ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक स्थल पर। ऐसी हमारी मांग, बिल्कुल हमारी डिमांड है, क्योंकि अगर पालक मंत्री पद पर रह करके वो किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण, अभी ये जो कोरोना वायरस आया, कल को यही बोलेंगे कि ब्राह्मणों ने कोरोना वायरस ला लिया, हमें दे दिया, तो ये बात पर दम नहीं है। और अगर ऐसा डॉक्टरेट की व्यक्ति करता है तो मेरे हिसाब से वो अनुचित है। माननीय पालक मंत्री जी का हम भी सम्मान करते हैं, हमारा समाज सम्मान करता है। मतदान करते समय हमने ये नहीं देखा उत्तर नागपुर में कि वो किस समाज के हैं, हमने उम्मीदवार देखा, और उम्मीदवार चुन के आने के बाद में यदि जाति भेद दिखाता है तो वो अपने आप में बहुत गलत है। इसका पूरा नागपुर शहर, पूरा महाराष्ट्र, हर एक संगठन, ब्राह्मण संगठन, हिंदू संगठन पुरजोर विरोध करेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।